ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे और स्पेसिफिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज सेल? बेटा हमने अपने प्रीवियस क्लास में सेल को स्टडी किया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल क्या है। दिस इज एन एनिमल सेल। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। देयर आर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। बेटा यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनेल्स होंगी वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। लाइक न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि उसने पूरे सेल को कंट्रोल करना है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है सेल को, और एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म फ्लूइड फिल्ड मटीरियल होता है जो कि मीडियम प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शंस। नाउ व्हाट इज सेल? अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। नाउ व्हाट इज टिश्यू? दिस इज अ नर्व टिश्यू दैट इज कंबाइंड बाय द नर्व सेल्स। बेटा जब सेम टाइप के सेल्स कंबाइन करते हैं दे हैव पर्टिकुलर फंक्शन, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, दे फॉर्म टिश्यू। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब सेम टाइप के सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, लाइक बोन टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज ऑर्गन? देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, ब्रेन एंड किडनीज। दे हैव डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन। एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टूगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बेटा जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज किसी भी जगह पर अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। लाइक हार्ट क्या करता है? ब्लड की सर्कुलेशन करता है। लंग्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं। स्टमक डाइजेशन करता है। ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं और उनमें डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करना है और स्पेसिफिकली हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ग्लैंड्स। लाइक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है? माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाकर ख़त्म होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, टंग, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। दे आर ऑल द पार्ट्स दैट फॉर्म आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक एग्जाम्पल है ऑर्गन सिस्टम की। लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो सिस्टम है वो वर्क करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? देन हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि किस तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी हम जो किसी भी इंडिविजुअल को देखते हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। लाइक हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले सेल्स आते हैं। जब सेम टाइप के सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे तो वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म डिवेल्प होगा। दिस इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, देन दीज ऑर्गन सिस्टम कंबाइन एक्शन ऑफ ऑल दी ऑर्गन सिस्टम अलाउ पीपल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। लाइक जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करेंगे तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म डिवेलप करेंगे जो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास. ठीक है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है और ये सारे पार्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. लाइक जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हम माउथ के थ्रू अपने फूड को लेते हैं, ठीक है, और वो हमारा फूड जो है वो एसोफेगस से जाता है स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड देन हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे. जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे. और डिफरेंट जो लिवर हैं या गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज हैं, ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो बेसिकली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन से रिलेटेड स्टडी करनी है. द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. बेटा यहाँ पर जितने भी आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी दिखाए जा रहे हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड, दे फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम, दे कंबाइन टू फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम. Our body change food into simpler form. The process of changing the food into simpler form is called digestion. बेटा digestion का process क्या होता है कि जिसमें हम food खाते हैं और वो simple compound में simple form में convert हो जाता है, that process is called digestion. Okay students? नेक्स्ट हम देखेंगे कि डाइजेशन किस किस तरह से होती है. हम जो फूड खा रहे होते हैं वो उसकी ब्रेकडाउन किस तरह से होती है, वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कैसे होता है. तो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हम फूड खाते हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होता है. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन की फॉर्म में हम फूड को खाते हैं और वो जब स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, उनकी डाइजेशन होती है और हमारे जो फूड है वो हमारे ब्लड का पार्ट बन जाता है. These simple molecules can pass through the wall of digestive tube to enter the blood. जब हम food को खाते हैं और वो simple molecules में convert हो जाता है, then वो food हमारे blood में शामिल हो जाता है और हमें energy provide करता है. The blood carries them to every cell to produce energy or to become the part of our body. जो भी हम फूड खा रहे होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, फिर उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद वो हमारे ब्लड का पार्ट बन जाता है, ब्लड में शामिल हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. बेटा हम डाइजेशन में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि हम फूड में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में शामिल होते हैं. वो 6 तरह के ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम फूड में लेते हैं. लाइक हम प्रोटीन्स खाते हैं, मिनरल्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिंस एंड वाटर. दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड. लाइक प्रोटीन हम कहाँ से लेते हैं, मिल्क से लेते हैं, एग्स एंड मीट. ठीक है, प्रोटीन का सोर्स क्या है, मिल्क, मीट एंड एग्स. मिनरल्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रूट्स वगैरह से हम मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं. कार्बोहाइड्रेट हम सीरियल से लेते हैं, सीरियल जितने भी हमारा जो वीट सीरियल्स वगैरह हैं उनसे ऑब्टेन करते हैं. फैट्स हम डिफरेंट ऑयली प्रोडक्ट्स से फैट हासिल करते हैं. विटामिंस हम डिफरेंट वेजिटेबल्स से ऑब्टेन करते हैं. इसी तरह वाटर जो है वो हम मिल्क से भी हासिल कर लेते हैं और वाटर जो हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं वो भी हमारा क्या है, एक मेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वाटर. ओके स्टूडेंट, तो दीज आर दी 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड. बेटा अब हम स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन के प्रोसेस को देखेंगे कि जो हम फूड खाते हैं वो कहाँ कहाँ पर कौन किस किस मेथड से डाइजेस्ट हो रहा होता है. लाइक अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में जब हम बाइट करते हैं फूड को तो वो हमारे टीथ क्या करते हैं, फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और हमारे माउथ में मौजूद जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्स होता है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, माउथ के अंदर ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो रही है और फूड जो है वो मॉइस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, जब भी आप फूड की बाइट लेते हैं तो आपके टीथ उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो स्मॉलर पीसेस जो हैं वो आपके सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं और देन वो मॉइस्ट और स्लिपरी से हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ.
आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। हमारे फूड की डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है और हमारे टीथ क्या करते हैं, स्मॉल फूड के पीसेस को स्मॉल और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कटिंग या ग्राइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माउथ में किस तरह की डाइजेशन होती है। लाइक हमारे माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड को मिक्स करता है और हमारे फूड को मॉइस्ट कर देता है, स्लिपरी बना देता है। और हमारे माउथ में तीन तरह की जगह पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और हमारे फूड को मॉइस्ट कर देते हैं। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा विच इज़ सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में मौजूद जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और हमारी टंग क्या करती है, उस सलाइवा को हमारे फूड के साथ मिक्स करती है। सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली हमारे माउथ में किस चीज़ की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, लाइक स्टार्च, शुगर। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है पार्शियल डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, टंग पुशेस दिस फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ। जो हमारी टंग है वो हमारे फूड को एसोफेगस लाइक बैक ऑफ आवर माउथ जो है वो पुश कर देती है, तो इस तरह से हमारा फूड हमारे माउथ से नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसोफेगस। बेटा एसोफेगस में फूड किस तरह से मूव करता है, लाइक दिस इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एसोफेगस, कि हमारा फूड जो मॉइस्ट हो गया था वो हमारा फूड क्या करेगा, एसोफेगस, दिस इज अ ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब। जो एसोफेगस होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और स्टमक तक मूव करता है फूड को। तो फूड की मूवमेंट हमने कहाँ पर करवानी है, स्टमक में करवानी है विद द हेल्प ऑफ एसोफेगस। तो एसोफेगस क्या करता है, फूड को माउथ से लेकर जाता है टूवर्ड्स द स्टमक और ये हमें एक ट्रांसफर का जो पाथ है वो प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, द च्यूर्ड फूड इज देन पुश्ड फ्रॉम माउथ टू द एसोफेगस। हमारा जो च्यूर्ड फूड है वो माउथ से एसोफेगस की तरफ मूव करता है। देन द एसोफेगस इज अ लार्ज ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। और एसोफेगस क्या करता है, हमारे फूड को हमारे माउथ से स्टमक की तरफ एंटर करवाता है। द नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टॉल्सिस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द एसोफेगस। बेटा एसोफेगस में एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं। दिस इज अ वेव लाइक मूवमेंट, देख रहे हैं आप कि दिस इज द वेव लाइक मूवमेंट दैट पुश द फूड फ्रॉम एसोफेगस टूवर्ड्स द स्टमक। हमारा फूड जो एसोफेगस में मौजूद होता है उसकी मूवमेंट के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं। एंड पेरिस्टॉल्सिस जो होती है एक वेव लाइक मूवमेंट होती है जो फूड को मूव करने में हेल्प करती है टुवर्ड्स द स्टमक। द एसोफेगस यूज वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड टू द स्टमक। दीज वेव लाइक मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस। बेटा ये जो प्रोसेस है इसको हम पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं और मूवमेंट को हम पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट कहते हैं जो कि वेव लाइक मूवमेंट होती है। और एसोफेगस में ये फंक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं और मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और वो फूड को मूव करवाते हैं फ्रॉम एसोफेगस टू द स्टमक। नेक्स्ट इज द स्टमक। बेटा हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट वन इज द स्टमक। स्टमक में जब फूड एंटर होता है तो वहाँ पर एक डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये डाइजेस्टिव जूस है जो कि फूड को क्या करता है, ब्रेक करता है, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारा फूड जो भी एंटर होता है स्टमक के अंदर, तो बेसिकली यहाँ पर स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है और प्रोटीन डाइजेस्ट होकर मूव करती हैं टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। Our stomach is a large J-shaped muscular bag. It mixes the food with digestive juice. हमारे food को digestive juice के साथ mix किसने करना है, stomach ने करना है, क्योंकि stomach की जो walls होती हैं वो muscle से मिलकर बनती हैं और ये contract और relax करती हैं, जिसकी वजह से हमारा food mix हो जाता है digestive juice के साथ और यहाँ पर protein की digestion भी होती है। The digestive juice begins the digestion of protein like milk, egg, meat, pulses. इस तरह के जो फूड हम खाते हैं उनकी डाइजेशन कहाँ पर होती है,
स्टमक में होती है और ये कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर, जो प्रोटीन कंटेनिंग फूड है वो हमारी उसकी डाइजेशन होगी स्टमक के अंदर। देन रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है कि हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसमें एक एलिमेंट होता है, उसमें एक बेसिक कंपोनेंट होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सेकेंडली वो हमारे फूड में जितने भी जर्म्स वगैरह हैं उनको किल करता है। दिस इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फूड स्पेंड अबाउट 4 hours इन द स्टमक, द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन एन एसिड। हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें एक एसिड मौजूद होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। द एसिड किल्स द जर्म प्रेजेंट इन आवर फूड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की डाइजेशन में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ जो फूड में मौजूद जर्म्स वगैरह हैं उनको किल करता है। ओके स्टूडेंट, यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज द वॉमिटिंग। बेटा वॉमिटिंग क्या होता है? वॉमिटिंग इज द रिवर्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस। Sometimes peristalsis work in reverse and pushes the food in stomach up and out through mouth. This reverse process of peristalsis is called vomiting. बेटा वॉमिटिंग के केस में क्या होता है कि जो हमारा फूड अनडाइजेस्टिड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता विद द हेल्प ऑफ लाइक कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई पेन वगैरह हो सकती है, डिफरेंट मेडिसन्स हो सकती हैं उसकी रीजन्स, तो या फिर हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, तो उस केस में भी हमें वॉमिटिंग होती है। तो हमारा फूड क्या करता है, वो स्टमक से मूव करता है टुवर्ड्स द माउथ और हमें हमने जो भी फूड और खाया होता है वो हमारा माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। ये पेरिस्टाल्सिस के रिवर्स प्रोसेस है क्योंकि पेरिस्टाल्सिस में हमने देखा कि फूड हमारा माउथ से स्टमक की तरफ एंटर हो रहा था, लेकिन वॉमिटिंग के केस में क्या होता है, हमारा फूड जो है वो स्टमक से माउथ की